जर्जर यूपी चाहिए था, दंगा ग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। पूरे देश को पता है कि दंगा कराने वाले कौन लोग थे, क्योंकि आदत पड़ी है, उसी में उनको बात करने की आदत पड़ी है। आप मुद्दे से ध्यान नहीं भटका सकते और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, यह चिंता का विषय है। अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा लेती है। साजिश तैयार की जा रही थी, यूपी सरकार का दावा है। हाथरस केस को लेकर जातीय दंगे का ब्लूप्रिंट तैयार था, बड़ी चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। दंगाइयों के लिए वेबसाइट पर निर्देश दिए जा चुके थे, लेकिन बड़ी खबर के साथ एक बार हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात होगी। अगले महीने 17 नवंबर को होगी शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग। गीता मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बड़ी खबर है ये गीता, खास तौर पर उस तनाव के मद्देनजर जो हमने बीते दिनों में दोनों देशों के बीच में देखा है। जी बिल्कुल, इस तनाव के बीच हमने कई सारे हाई लेवल मीटिंग्स देखे, बायलैटरल मीटिंग्स भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जब एक कमरे में बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जब SCO ब्रिक्स जैसे मीटिंग्स में ये लोग बैठते हैं और अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं अमेरिका को लेकर, तो क्या ये सही है कि भारत और चीन को जिस तरीके से भारत और चीन तनाव बनाए हुए हैं सरहद पर, वो बनाए रखना चाहिए? ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है, जहां एक तरफ हमारे सूत्र हमें ये कहते हैं कि बायलैटरल मुद्दों पर ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम देखेंगे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक ही प्लेटफॉर्म में ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हुए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गीता मोहन हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग इसे कह लीजिए, और क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर आएगी। सीधे अपनी बहस का रुख करेंगे, जल्दी से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी सरकार का आरोप है कि साजिश के पीछे PFI है। जी हां, हाथरस में इंसाफ की मांग के आड़ में क्या PFI और SDPI मिलकर दंगे की साजिश रच रहे थे? आपको बता दें कि PFI और SDPI वही संगठन है जिस पर दिल्ली दंगे कराने का आरोप है, ये वही संगठन है जिन पर CAA के विरोध में हुई हिंसा भड़काने का भी आरोप है। SDPI की तरफ से हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी उनके जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। हाथरस में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, जाति हिंसा फैलाने की थी तैयारी, नापाक मंसूबे का तैयार था ब्लूप्रिंट, PFI और SDPI के हाथ का शक। हाथरस केस के बहाने यूपी और देश के कई हिस्सों को सुलगाने की साजिश तैयार कर ली गई थी, शहर दर शहर आग लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। जिस मुश्किल घड़ी में एक बेटी का परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए अपने आंगन में बैठा था, उसी दौर में पर्दे के पीछे रहते हुए तैयार हो रही थी हिंसा वाली साजिश। समाज के दुश्मनों ने साजिश की डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। तैयारी इतनी पुख्ता हो रही थी कि हिंसा के अगुआ आग लगाने में सफल भी हो जाते। अब आप सुनते जाइए, यूपी में जिस हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है उसकी प्लानिंग कैसे की गई थी। सबसे पहले
जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी की पुलिस को शक है कि दंगे की साजिश तैयार करने वाली वेबसाइट के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। यूपी सरकार के दावों पर यकीन करें तो असामाजिक तत्वों की साजिश बहुत ही बड़ी थी। जिस तरह से सीएए के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए और कुछ संगठनों ने हिंसा को भड़काया, वैसी ही साजिश इस बार भी थी। लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षा एजेंसियों को वक्त रहते इसकी खबर लग गई और समाज को सुलगाने की कोशिश में जुटे आरोपियों के मंसूबे पर पलीता लग गया। सरकार की माने तो हाथरस बहाना था, इसके पीछे दंगे फैलाना था। जो इस वेबसाइट को आज सरकार की तरफ से दिया गया उसमें कुछ आपत्तिजनक कंटेंट थे। कहा यह गया कि लोगों को उकसाने के लिए, भीड़ में जाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें टाइट कपड़े न पहने, ढीले ढाले कपड़े पहनने की बात की गई है, टाई और गहने जैसे चीजों को नहीं लगाने की हिदायत दी गई है, साथ साथ बड़े बाल न रखने की हिदायत दी गई है क्योंकि ऐसे में पकड़ में आ सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे वेबसाइट के जरिए लोगों को भड़काने और भीड़ तक पहुंचने की अपील इसमें दिखाई देती है। खुलासे के मुताबिक रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट तैयार की गई। फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जुड़ भी गए। वेबसाइट पर बताया गया कि कैसे दंगा करना है, दंगों के बाद कैसे बचना है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था उन्होंने वेबसाइट पर यहाँ तक जिक्र किया था कि जहाँ दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचाने, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाए, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपने रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत न छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस न लगाएं, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी और टाई न पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी के यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रागिनी नायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो कि नेशनल सेक्रेटरी है एसडीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एमएच खान साहब भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं तस्लीम रहमानी साहब, क्या प्लान था, पूरी जानकारी बताइए। ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितना दम है? यूपी सरकार बाकायदा बता रही है बाल लंबे ना रखना ताकि पकड़ में ना हो पुलिस के, ऐसे चलना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे दंगे का आयोजन वहां पर करना है, ये तमाम आरोप है, जवाब आपका। देखिए, अभी तो इस देश में किसी को छींक भी आती है तो पीएफआई एसडीपीआई लोगों को दिखाई देती है। पहला सवाल ये है कि जिस बदकिस्मती, जो एक इतनी घिनौनी हरकत उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई, हाँ, क्या वो पीएफआई ने करवाई थी, क्या वो एसडीपीआई ने करवाई थी, वो किसने करवाई थी, क्या इसका सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार देगी? क्या उसने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन लोगों ने ये जुल्म किया था, ये गिराना जानवरों जैसी हरकत? बिल्कुल कर लिया मिस्टर रहमानी, कर लिया है, चारों आरोपी गिरफ्त में है मिस्टर रहमानी। मतलब आज लगता है होमवर्क क्लास वर्क सब भूल के आए हैं आप। सुनिए, चारों गिरफ्तार हैं, चारों गिरफ्तार हैं और आज नहीं कई दिन पहले हो गए हैं। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। हाथरस पर आज तक सवाल पूछ रहा है, हम पूछते रहेंगे। पहले ये बताइए कि इस वेबसाइट के जरिए दंगा भड़काने का जो पीएफआई और एसडीपीआई पर आरोप है उस पर जवाब दीजिए। इसीलिए मैंने आपको पहले मौका दिया। ये जो सरकार है हिंदू युवा वाहिनी की सरकार है और वो सरकार ये आपका जवाब है चीफ मिनिस्टर, ये जिसका चीफ मिनिस्टर ये कहता है कब्रों से और मुर्दा औरतों को निकाल के उसको रेप करो। दिल्ली दंगे में भी मामला चल रहा है, उनकी ये सरकार है। आपको गंभीरता समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं नहीं, गंभीरता और दिल्ली में दंगे हुए थे ये पूरे देश ने देखा था। तीसरी बात पूछ रही हूँ आपसे, सफाई दीजिए, क्या पक्ष है आपका इस पर? हाथ में इससे ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है?
कि देश में चुनी हुई सरकार चाहे मरकज की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, क्रिमिनल्स के हाथों में, इससे ज्यादा गंभीरता देश में और क्या हो सकती है? और उस फोकस को शिफ्ट करने के लिए आप एसडीपीआई को मोहरा बना लेते, पीएफआई को मोहरा बना लेते। उनका आरोप है कि आप लोग मोहरा बना रहे हैं पीएफआई और एसडीपीआई को। बैठा रखा है, मैं तो सिर्फ मैं वही बता रहा हूं अंजना जी। एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई जिसको लेके आज तक को सफाई देनी पड़ी। आपके चैनल ने सफाई दी कि ये खबर हमने नहीं चलाई है और ये खबर पूरी तौर पर झूठ है, और उसकी जुबान उसके शब्द वही थे जो ये रहमानी बोल रहे हैं, ये दंगाई हैं। इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिससे उत्तर प्रदेश में दंगा भड़के, इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिससे नफरत के बीच भड़के। ये तो लाशें बिछाना चाहते थे, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, चमड़ी उधर के रख देते हम लोग। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दंगाइयों की चमड़ी उधर दी जाती है। आपके आका मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगें गिराई गई, आपके आका अतीक अहमद की बिल्डिंग गिराई जा रही है, और इसी बात की छटपटाहट है। पोस्टर चौराहे पे चिपका दिया रहमानी, आपका पोस्टर चौराहे पे चिपकाएंगे, आप जैसे दंगाई का चेहरा भी पोस्टर पर नजर आएगा उत्तर प्रदेश के चौराहों पर। आप झूठे हो, मक्कार हो, और ऐसे ही झूठों से आप साजिशें रचते हो जो आप अभी बोल रहे हो। आपने जो मुख्यमंत्री जी के लिए बयान दिया, चौराहे पे पोस्टर चिपका देंगे रहमानी, पोस्टर चौराहे पे चिपकाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर दंगाई का चेहरा पोस्टर पे नजर आता है, हर चौराहे पे पोस्टर चिपकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक भाग के गए थे, उत्तर प्रदेश के अपना पक्ष सफाई से रख ही नहीं पाते हैं। अब देखिए उपकांत आरोप के चुने हुए मुख्यमंत्री पर लगाने से पहले थोड़ा सा आपने अपनी बात कही ना, मैं तीन बार आपके पास आई रहमानी साहब, तीन बार आई, आपने अपना पक्ष रखने के बजाय उसको उपकांत बातें रखी। अब एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक साथ मत बोलिए प्लीज, मुझे रागनी जी के पास भी जाना है। आप मुझे बताइए क्या चमड़ी उधर जाएगी उत्तर प्रदेश में, दंगाइयों की चमड़ी उधर जाएगी उत्तर प्रदेश में, निकाल के रेप करो और चौराहों पर पोस्टर लगाते हैं रहमानी, पूरा पोस्टर आपका लगेगा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख मत करना। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस स्टेट में भी जाती है ये स्टेट कराना भी जानती है, वसूल कर देंगे, कुर्ता पैजामा नीलाम करा देंगे, तुम्हारा कुर्ता पैजामा नीलाम करा के वसूली कर देंगे, तुम्हारा कुर्ता पैजामा नीलाम करा के चौराहे पर पोस्टर लगा देंगे रहमानी, माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, जमीनें बेचनी पड़ेंगी रहमानी। जब लोगों ने प्रदेश की तरफ मत देखना, दंगाइयों तुम्हारे जैसे दंगाइयों को हम सबक सिखाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और चमड़ी उधेड़ के भेज रखा है, चमड़ी उधेड़ के भेज रखा है जिनके लिए फंडिंग कर रहा है, जिनकी जमानत के लिए आप दौड़ते हो, भीख मांगते हो, अपने अपने सरकार की बातें कही है हमने, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी बात सुनाई है रागिनी नायक जी, जमानत के पैसे के लिए इकट्ठा कर रहे हो। रागिनी नायक जी, सरकार का यह कहना है कि विपक्ष की साठगांठ से ये तमाम एजेंसियां दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये संगठन, क्या कहना है आपका? राहों पर पोस्टर उन चार दरिंदों के लगने चाहिए थे जिन्होंने हाथरस की बिटिया और भारत माता की बिटिया के साथ ये हैवानियत की, लेकिन बहरहाल लगातार राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर करना चाहती है और वो आपके चैनल पर शुरुआती टिप्पणी में भाजपा के प्रवक्ता ने करके दिखा दिया। देखिए वो चारों तो दरिंदे हैं ही जिन्होंने ये हैवानियत की, लेकिन योगी सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन भी कम अन्यायी, अत्याचारी और नृशंस नहीं है। उत्तर प्रदेश को क्यों जलाना चाहते थे ये तो बता दीजिए। जब हैवानियत उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को राहुल और प्रियंका खतरे में क्यों डालना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। आप पत्रकार बन चुके हैं, शरब पक्ष रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पूरी कर लेने दीजिए, मैं बीच में बोली नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी उतनी ही अन्यायी, अत्याचारी और नृशंस है जिसने जीते जी उस बिटिया को सुरक्षा नहीं दी, हैवानियत के बाद इलाज और न्याय नहीं दिया, और मरने के बाद उसके घर वालों को अंतिम संस्कार का सम्मान भी नहीं दिया, पेट्रोल छिड़क के आंख में झोंक दिया। और अब जब नाक कट रही है सरकार की, मिट्टी पलीत हो रही है, तो अपनी छवि को बचाने के लिए ये आशियाने में आग लगाने के लिए भी तैयार है अंजना जी। ये सांप्रदायिक और जातीय रंग देना और मुख्य मुद्दे को मीडिया की नजर से, जनता की नजर से दूर कर देना, ये इनका लक्ष्य है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, याद कीजिएगा मायावती को जब इन्हीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने वैश्या कहा था, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, तब इन्होंने दलित बनाम ठाकुर कर दिया था और दयाशंकर जी की पत्नी को टिकट देकर मंत्री बना दिया।
जब हरियाणा में चुनाव आता है तो ये जाट बनाम अन्य कर देते हैं, जब महाराष्ट्र में बात होती है तो भीमा कोरेगांव में दलित बनाम मराठा हो जाता है, जब राजस्थान आता है तो गुजर बनाम मीणा कर देते हैं, और पूरे देश में ये हर चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान करते हैं। ये जातीय और सांप्रदायिक साजिश रचने के अलावा कोई सांप्रदायिक रंग कर नहीं सकते। सांप्रदायिक और जातीय रंग आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है रागिनी जी, इस पर जल्दी से जवाब देती हूं। उसका पर्दाफाश हुआ है तो ये साजिश खुद रची जा रही है योगी सरकार द्वारा। शलभ बनी जल्दी से। अंजना जी बहुत सारे सवाल आए, उत्तर प्रदेश को हाथरस की सिर्फ इनका बहाना था, उत्तर प्रदेश को जलाना था। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लोगों ने जिस तरह पीड़ित परिवार को भड़काया, इनके कांग्रेस के नेताओं के टेप मीडिया ने चलाए कि 25 लाख मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तुम बिल्कुल मत मानना, राहुल जी 50 लाख भिजवा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा 1 करोड़ भिजवा रही है, तुम्हें हर हाल में इनके खिलाफ बोलना है। देखिए रागिनी बोलने दीजिए, अब झूठ के झूठ खोलना, झूठ का पर्दाफाश, वरना मैं भी नहीं बोलने दूंगा। आपका आपका जाके नेता निजाम मलिक, अंजना जी देखिए आप रोकिए इनको, ये गलत बात है। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगी तो ठीक है, उनको रोकिए पहले, नहीं फिर मैं अभी नहीं बोलने दूंगा। आप जितनी देर टोकेंगे उतनी देर मुझे मैं समय लूंगा। नहीं आप इनको पहले चुप कराइए, ऐसे नहीं होगा, इनको आप पहले चुप कराइए, इनकी इनकी कलाई खुलते हैं या बौखलाते हैं, नहीं आप बोलिए अंजना आप इनको रोकिए पहले। कि आज तक के रिपोर्टर को रागिनी जी, रागिनी जी आज तक के रिपोर्टर रागिनी जी साजिश किसकी थी मुझे बताइए, रागिनी जी बताइए ये साजिश किसकी। रागिनी जी आपने एक आरोप लगाया है, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर बीच में प्लीज आपने आपने भी बोला तो मैंने उनको टोका, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, जवाब दीजिए शलभ मनी जी। जी 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 नहीं मुझे समय दीजिएगा आपको, आपने पिछली बार भी इनको इंटरप्ट करने दिया, इस बार भी बोलने दिया मुझे, अगर आप चाहती हैं जवाब दीजिए। आप देखिए अभी जैसे मैंने सच बोलना शुरू किया, अभी कुछ देर पहले पाठ पाठ पढ़ा रही थी मुझे कि बीच में टोकिए कैसे बौखलाई। राहुल और प्रियंका देखिए, राहुल और प्रियंका के इशारे पर इनके नेताओं ने जाके भड़काया लोगों को। निजाम मलिक कौन है, निजाम मलिक कौन, इनसे पूछिए कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है निजाम मलिक, जिसने जाके कहा कि जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। आज लखनऊ में इनका नेता पकड़ा गया, लखनऊ में इनका नेता पोस्टर बांट रहा था, कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश को आग में जलाने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश देखिए इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, जो दूसरे देखे, के दुख को कम करे नहीं, पहले राजनीति है। देखिए देखिए इनकी सच्चाई सामने आ रही तो बखला कैमरे के सामने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाना कार्यकर्ताओं के साथ भी राजनीति है। अगर आपको वाकई उस बच्ची के लिए इंसाफ की बात करनी थी, मैं चली थी 15 किलोमीटर, इतने इतने कार्यकर्ताओं को और हाथरस की राजनीति कर रहे थे क्या, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बच्ची और बच्ची के लिए न्याय की जगह समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, आपके कार्यकर्ता डीएनजी पर कर रहे हैं, मुझे 20 सेकंड क्या, मुझे 20 सेकंड चाहिए, क्या ये हमदर्दी थी, जब बवाल था सिर्फ ताकि कैमरा हम पर आ जाए, 20 दिन तक किसी ने सुध नहीं ली, आज तक का जो लगातार जोर कर रहा था सब किसी नेता को नहीं समझ में आया, और गरीब परिवार को गले लगा के रहेंगे। हाँ तो आपको तय करना पड़ेगा कि 4 या 5 लोग जाएंगे, अगर आप इस तरह से बारात लेकर जाएंगे लगेगा नामांकन भरने जा रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा मैडम। नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, अब उस बात पर वापस जाते हैं, बात पर वापस जाते हैं, बात इंसाफ की है, बात इंसाफ की है, क्या सांप्रदायिक ट्विस्ट देने के लिए ये पूरी थ्योरी गढ़ी गई है। शलभ बनी जी आरोप सीधा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सांप्रदायिक ट्विस्ट देने के लिए ये थ्योरी गढ़ी गई है। प्रियंका वाड्रा का चेहरा आपने देखा, हाथरस की बेटी के घर के बाहर, हाथरस की घर की बेटी के बाहर ये कैसे गिद्धों की तरह गाड़ी में बैठ के मुस्कुरा रहे थे, जैसे गाड़ी में बैठ के हंसी ठहाके लगा रहे थे। प्रियंका वाड्रा दिल्ली में चोरी देखने गई, दिल्ली में 2 घंटे की 2 किलोमीटर की दूरी पर वो बिटिया भरती थी, क्यों नहीं चली गई प्रियंका वाड्रा, क्यों नहीं राहुल गांधी चले गए। राजस्थान में 48 घंटे के अंदर 20 बलात्कार हुए, अशोक गहलोत बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए, अशोक गहलोत ने कहा कि वो बच्ची अपनी मर्जी से चली गई थी, अशोक गहलोत ने कहा कि बलात्कारियों का कोई दोष नहीं है, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को शर्म नहीं आई, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को शर्म नहीं आती, आज भी 12 के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, ये गिद्ध राजनीति नहीं है तो क्या है। उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में जलाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को इन्होंने आग में झोंकने का काम किया, ये उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे, इन्होंने फंडिंग की, इन्होंने PFI के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम किया, उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी दंगाई पार्टी है,
हाथरस बहाना था, उत्तर प्रदेश जलाना था। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को जलाना चाहती थी। आज एक्सपोज हो चुके हैं, आज इनके चेहरे सामने आ रहे हैं। आज तमाम वेबसाइट के पीछे इनका हाथ है। राहुल गांधी ने फंडिंग की, प्रियंका वाड्रा ने फंडिंग की, पैसे बांटे इन्होंने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने पैसे बांटे, प्रियंका गांधी के राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटे। इन्होंने कहा कि जाकर दंगे भड़काओ, जाकर जातीय व्यवस्था भड़काओ, उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाओ। उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने के लिए राहुल और प्रियंका ने अपने चमचों को छोड़ा, अपने नेताओं को छोड़ा, और आज इनका चेहरा उजागर हो चुका है कि क्या इनका चेहरा है। ये दंगा कराना चाहते थे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को, ये जलाना चाहते थे। पुलिस के लोगों पर हमले करना चाहते थे, प्रशासन के लोगों पर हमले करना चाहते थे। ये दंगाई पार्टी है राहुल और प्रियंका के पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है रागिनी जी, को दो लाइन इसमें बोल लेने दीजिए, ठीक से आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं लगातार। खान साहब आ रही हूँ, प्लीज रागिनी जी अपना पक्ष दो लाइन में इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं शहजादी आपके पास आ रही हूँ। आ रही हूँ खान साहब, आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए मामला कांग्रेस बीजेपी का है, राहुल और प्रियंका ने दंगा कराने की साजिश क्यों रची, आप इनसे पूछिए। राहुल और प्रियंका ने दंगा कराने का प्रयास क्यों किया, इनसे पूछिए। रागिनी जी रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। रागिनी इनसे पूछिए, निजाम मलिक कौन है, निजाम मलिक कौन है, कांग्रेस पार्टी दंगा कराना चाहती है। अरे भैया सियासत मत करो यहाँ बैठकर, तुम्हारा चेहरा पहले ही दिख चुका है भाई मेरे, आज इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, आज इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। जब राहुल और प्रियंका दंगा कराना चाहते थे, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सांप्रदायिक ट्विस्ट देने के लिए पूरे मामले को, बेटी के लिए न्याय से ध्यान बटाने के लिए ये थ्योरी गढ़ी गई है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं रागिनी। रागिनी जी प्लीज, अंजना जी, अंजना जी, शहजाद जी बोलिए, आप बोलिए, शरबनी जी आ रही हूँ, शरबनी जी प्लीज रुक जाइए, आप पर सुनाई नहीं दे रहा है, अगर ये इतना चीखते रहेंगे बोलिए जी। अंजना जी, हम लोकतंत्र के लिए डिबेट करते हैं, ये शोर तंत्र बन चुका है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो पार्टी कल तक दावा कर रही थी कि हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, आज आप पीएफआई का पर्दाफाश कर रही है, तो वो पीड़िता को छोड़कर पीएफआई के लिए रागिनी राग क्यों लगा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बड़ी बहन है रागिनी, रागिनी आपको राग लगाना चाहिए कि क्यों हाथरस के नाम पर पीएफआई और टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर, आपको ये दुख जताना चाहिए। एक सेकेंड रागिनी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अच्छी किताब समझाइए। हाँ तो आप पहले ये समझाइए कि केसु वेणुगोपाल से लेकर आपकी पूरी पार्टी एसडीपीआई और पीएफआई के बचाव में बार बार बेंगलुरु दंगों में, यूपी के दंगों में, दिल्ली के दंगों में, अरे रुक जाइए ना, पेशेंस भी रखिए ना, पेशेंस रखिए ना मैडम। डिबेट में दो साइड होती है, आपके शायद पार्टी में सिर्फ एक साइड होती है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता डिबेट कैसे करते हैं। अब सुन लीजिए 30 सेकंड, उसके बाद बोलना। मुझे पता है पीएफआई पर बोल रहा हूँ, दुख दर्द हो रहा है आपको, तो पीएफआई पर आते हैं। जहां तक ये पीएफआई मतलब पीपल फॉर इंसाइटिंग राइट्स का सवाल, अरे भाई आप व्यक्तिगत, तो आपका दिक्कत यह है ना कि व्यवस्था पर टिप्पणी आप व्यक्तिगत ले लेती हैं, व्यवस्था पर टिप्पणी करता हूँ आप व्यक्तिगत ले लीजिए। अच्छा अब मैं बोलूँ क्या मैडम, अंजना जी या तो आप इस डिबेट को मॉडरेट कीजिए, या तो आप एक काम है, रागिनी जी कभी एंकर बन नहीं पाई तो उनकी ही मुराद को पूरी कर दीजिए। रागिनी जी बन नहीं पाए तो आज वो मुराद पूरी कर रही है, मैं बोल दूँ क्या। अंजना जी मुझे 30 सेकंड, हाँ बोलिए, मुझे 30 भाई दंगाइयों के बचाव में इतना कुछ बोला गया, मैं देश हित में 30 सेकंड बोल दूं अंजना जी, थैंक यू। अंजना जी पीएफआई और ये सवाल आज देश पूछ रहा है कि हाथरस बहाना है, राजनीतिक बंटी बबली का करियर बनाना है और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक आग लगाना है, ये क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ आपको बुरा लग रहा है ना, आप पदयात्रा पर निकल जाइए राजस्थान। अब मेरी बात सुनिए, ये पीएफआई पर हम नहीं कुछ बोल रहे, 2012 में केरला की वामपंथी सरकार ने पीएफआई का काला चिट्ठा खोला था। अरे सुनिए ना मैडम, मैं पीएफआई का एक शब्द बोलता हूँ, ये रागिनी राग अलापने लगती है, क्यों देश पूछना चाहता है, क्यों देश पूछना चाहता है कि जब मैं रागिनी नायक के बारे में नहीं पीएफआई के बारे में बोल रहा हूँ तो रागिनी बचाव तंत्र में आ जाती है। अंजना जी मैं इनसे एक सेकंड, मैं तमीज वालों से सीखूंगा ना। अंजना जी मैं 30 सेकंड, अंजना जी पूरा देश देख रहा है मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। अंजना जी मैं 30 सेकंड बोल सकता हूँ, अन्यथा आप 1 सेकंड प्लीज
इसको प्लीज आप लोग पर्सनल मत बताइए। वो केरल सरकार की जो पेपर्स है जो उन्होंने ऑन रिटन रिकॉर्ड डाला था वो बता रहे हैं पीएफआई के बारे में। इसमें किसी को क्यों तकलीफ हो रही है भाई? पीएफआई के बारे में, सीपीआई के बारे में तो सच आने दीजिए ना सामने। इसमें क्यों तकलीफ हो रही है किसी को? क्यों घसीट रहे हैं? चलिए वापस आइए शहजाद, शहजाद जल्दी से पेपर दिखाइए उसकी बात रखिए। ये केरल सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मैडम। अच्छा भाई मुझे अंजना जी मैं बोल सकता हूँ पीएफआई पर? अच्छा मैं पीएफआई पर बोल सकता हूँ अंजना जी, अगर इजाजत हो कांग्रेस पार्टी की तो। थैंक यू। मैं जितना पीएफआई का खुलासा कर रहा हूं उतना तो पीएफआई के अधिकृत प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं, जिनको 150 वोट मिले थे ओखला के चुनाव में। अच्छा सुनिए, अब पीएफआई पर वामपंथी सरकार ने हलफनामा देकर बोला था ये आतंकवादी सिमी का संगठन का चेहरा है। इन्होंने कहा था 2012-13 में कि इनके पास से रिकवरी की गई है एम्यूनिशन और बॉम्ब की और ये आईसिस का काम करते, वामपंथियों ने कहा था। फिर इसके बाद चार जगह इनके दंगों में शामिलता पाई गई, बेंगलुरु में, दिल्ली में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, और बार बार केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी इनका बचाव करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन दोनों का पुराना लेना देना रिश्ता है एसडीपीआई के साथ। एसडीपीआई मतलब पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ पीएफआई। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये वेबसाइट देखिए ना, जस्टिस फॉर जस्टिस झूठ को फैला रहे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर कोई हाथरस या राजस्थान के आंकड़े नहीं थे, इसमें दंगों से कैसे बचना है? अरे तस्नीम रहमानी जी मुझे बताइए कि आज क्या आप नहीं चाहते कि दंगा भड़काने वाले, देश में आग लगाने वाले और विकास से इतने परेशान कि आप लोगों ने दंगों का बनाया तो आपको नहीं लगता आज प्रतिबंध लगना चाहिए? बहन रागिनी क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए? चलिए आप स्टैंड लीजिए। मेरी बहन रागिनी पीएफआई पर दंगों पर के लिए बैन लगना चाहिए? आइए बोलिए कि हाँ मैं आदित्यनाथ योगी का सपोर्ट करती हूँ, उन्होंने बैन की मांग की है, हमें करना चाहिए। आपकी प्रियंका वाड्रा तो दंगाइयों के समर्थन में खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों करती है रागिनी? रागिनी आप राग लगाइए पीएफआई के। ठीक है इस पर रागिनी जी जवाब देंगे। रहमानी साहब प्लीज सब बीच में मत बोलिए प्लीज। मिस्टर मिस्टर रहमानी प्लीज, मैंने बहस की शुरुआत ही आपसे कही थी। अब जब कोई बोलता है तब आप बाद में सोचते हैं और फिर उसमें जवाब देने लगते हैं। अब रोक के रखिए ना सर, आपकी बारी आएगी। अभी मैं दो मेहमानों तक गई भी नहीं हूँ। रागिनी जी क्या एसजीपीआई और पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं ऐसे दंगे फैलाने के आरोप में? दिल्ली के दंगों में भी इनका नाम है। अंजना जी रुकिए, अंजना जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ। कोई भी गैर कानूनी साजिश कोई भी दल कर रहा हो, हाँ। वो आरोपी पाया जाता है, तथ्य सामने आते हैं, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। योगी सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है, लेकिन जब आप ये कहती है ना कि सांप्रदायिक रन देने के लिए योगी सरकार लेकर आई है तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? हाथरस की बेटी को न्याय मिले, पुलिस प्रशासन योगी सरकार संरक्षण देना बंद करे, संलिप्तता अपराधियों के साथ बंद हो, जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो विपक्षी नेताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्यों पैसे झोंके बंदे कराने के लिए आपने, जिस आप क्यों दंगा करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के 40 करोड़ लोगों से क्या दुश्मनी आपकी? राहुल और प्रियंका क्यों दंगा करना चाहते थे? ये सब बंद होना चाहिए। क्यों जलाना चाहते उत्तर प्रदेश को? क्यों पीएफआई के साथ घूमते हैं आप? पीएफआई के साथ साजिश क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी पीएफआई से क्यों जुड़ गई? कांग्रेस पार्टी पीएफआई के पीछे कैसे खड़ा हो गई? आपने पीएफआई को आगे करके दंगा कराने का प्रयास क्यों किया? आप उत्तर प्रदेश चले के जामिया तक दंगा कराते रहे, राहुल और प्रियंका ने पैसे भेजे शलभमणि जी, शलभमणि जी आप सीधे राहुल गांधी और प्रियंका का नाम ले रहे हैं। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो फिर गिरफ्तार कीजिए ना, या ये सब खाली टीवी पे बोलने के लिए है? शलभमणि जी जाते हैं मिलने के लिए, जो जाता है उसे रोकते रहते हैं, ये लगातार इसको गिरफ्तारी होगी। देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ योगी पीएफआई के ऊपर बैन घोषणा करती रहती है। आपने देखा जनता जी, कांग्रेस पार्टी वाले रोते रहे जब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर लग रहे थे, तो सबसे ज्यादा रुलाई कांग्रेस पार्टी को आ रही थी। उत्तर प्रदेश में जब दंगाइयों के घर गिराए जा रहे थे तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाथ हर दंगाई के साथ है। कांग्रेस पार्टी का हाथ हर दंगाई के साथ है। खान साहब प्रदेश को जलाने के प्रयास किया जाने, जल्दी से जरा सुनाते देखिए। खान साहब
पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़े कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, जल्दी से उस पर खान साहब और अवनी जोशी के पास चलेंगे, जल्दी से सुनाइए जरा, खान साहब ने एक बार सुन लिए इसको जरा ध्यान से। और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्ययोजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सब को ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये जो हुए हैं कैसे कैसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनका अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। खान साहब, विपक्ष को लग रहा है कि जो विकास हम कर रहे हैं उसमें कैसे बाधा डाली जाए, तो उसके लिए नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, दंगे तक कराने का आयोजन ऐसे संगठनों के साथ विपक्ष कर रहा है। आपका जवाब खान साहब। अंजना जी, मैं पहले कह रहा हूं कि ये PFI हो, SDPI हो, ऐसे संगठन जिनका दंगों में नाम आता है, ऐसे संगठनों का मैं घोर निंदा करता हूं और इनको कंडम करता हूं कि ऐसी हरकतें करते हैं तो इन पे बैन लगा देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, वहां हाथरस में किसके साथ दंगा कराना चाहते हैं ये लोग? हिंदू हिंदू में दंगा चाहते हैं, हिंदू कलम दलित में दंगा कराना चाहते हैं, कौन सी है? वो लोग सारे हिंदू हैं। अब आप देखिए, वहां जिला प्रशासन, वहां पर एक एक संप्रदाय के लोग नंगे बनियान नंगे बदन बैठे हैं और वहां का जिला प्रशासन और पुलिस उनको इजाजत दे देती है कि हाँ आप कहिए, और वो धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? अरे भाई, CBI में चला गया, हाई कोर्ट ने अपना संज्ञान ले लिया, अब तो ये राजनीति बंद करो। सर काटने की बात कर रहा है, उस पर बोलिए ना, किसने कहा कि सर काट कर लाओ? किसने कहा कि सर काट कर लाओ? कांग्रेस पार्टी ने हर दंगाई के साथ कांग्रेस का हाथ, उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश कांग्रेस ने रची, राहुल और प्रियंका ने रची, राजस्थान में जाते BSP ने रची, समाजवादी पार्टी ने रची, आम आदमी पार्टी ने रची। आपने पैसे खर्च किए, राहुल और प्रियंका ने पैसे भेजे, आपके नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भड़काया लोगों को, आग कैसे लगे उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस उत्तर प्रदेश आवाज कट रही है, एक साथ में बोलने पे कट रही है। राहुल और प्रियंका चाहते थे कि उत्तर प्रदेश धू धू करके चले और आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता आपने दंगे कराने। ठीक है, रुक जाइए, रागनी जी मैं जवाब लूंगी, एक बार अपनी जयशी के पास जाने दीजिए। अपनी जयशी, अपनी जयशी, ये हाथरस की बेटी के लिए न्याय की बात कोई नहीं कर रहा, नारेबाजी हो रही है। अब जांच CBI को सौंप दी गई है, इन सब के बीच ये जो सियासी बवाल है, एक सेकंड रुकिए, खान साहब रुकिए, आप झूठला सीधा सरकार पर ये आरोप लगा देना कि विपक्ष ही ये दंगे करा रहा है, आपने PFI SDPI क्या नाम लिया है, तो आप उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। विपक्ष को उस घेरे में लाना सियासी तौर पर सूट करता है क्या? अंजना, पहली बात तो ये विपक्ष और पक्ष की बात छोड़ दें, विपक्ष अगर उन दंगाइयों के साथ खड़ा होगा तो विपक्ष पर ये जिम्मेदारी आएगी कि वो उन दंगाइयों को बचा रहा है। आज आपने देख लिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता हों या रहमानी साहब हों, ये बड़े स्पष्ट रूप में PFI या उन दंगाइयों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं रहमानी साहब को तो समझाना किसी की बात समझ में कर्नाटक के चुनावों में अंजना जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, अंजना जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे बीच में कोई बोले। मुझे एक डेढ़ मिनट का टाइम दिया होता है, मुझे बोलना होगा तो बोलूंगा। क्या ये सच है अंजना जी कि कर्नाटक के चुनावों से पहले सिद्धरमैया ने PFI के सभी बंदियों को, कैदियों को जेल से छोड़ा था?
पीएफआई एसडीपीआई ने कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस के साथ कांग्रेस का समर्थन किया था, क्या यह सच है? यह हम तो पत्रकार है ना आप लोग, ये बिल्कुल साफ है। आज आज मजे की बात यह है कि आज से शायद 10-15 साल पहले ये सब खुलता नहीं था, आज वेबसाइट बनी है आपके आपके चैनल में, तो नीचे निर्देश आ रहे हैं कि आप टाई या टाई ना पहने, आप ज्वेलरी ना पहने, आप फेस मास्क ना, छुपने की जगह ढूंढ लें, ये सब क्या है? ये दंगे की तैयारी नहीं थी क्या? इससे कौन मना कर रहा है कि ये दंगे की तैयारी नहीं थी? और उत्तर प्रदेश के अगर ये दंगे की तैयारी थी तो इसमें पीड़िता का दर्द सामने कहां आता है? इसका मतलब दुनिया ने देख लिया, साथ नहीं ये पीड़िता को एक तरफ करके उत्तर प्रदेश की जनता में आप भय और आतंक फैलाना चाहते थे, को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अंजना जी, अरे रहमानी साहब आप रहने दीजिए, रहमानी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद आप ही से जवाब लूंगी, रुक जाइए, थम जाइए, आप मत बोलिए ना, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। देते हैं और 140 वोट पर आकर के पूरे देश की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं आप मत बोलिए ना, पीएफआई एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं, आप लोगों को पता है या नहीं है? एसडीपीआई के जिसका नाम है उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं ये, इसलिए ओखला और ओखला के 140 वोट में मत समेटिए इनको। जितने मर्जी 14 वोट ले लें, लेकिन बात यह है कि पीएफआई वो है जिसने एक प्रोफेसर के हाथ काटे थे सिर्फ मोहम्मद कहने पर, ये वो पीएफआई है। और भारतवर्ष के हर दंगे में पीएफआई का नाम आ रहा है, और पीएफआई हो सकता है अलग अलग नामों से यहाँ पे सक्रिय हो सकता है उत्तर प्रदेश में किसी और नाम से, एसडीपीआई को बना दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता ये समझ गई और बेगैरती का सबूत है। ठीक है, अब जवाब अपने देश में एक साथ बोलने पे आवाज कटती है, प्लीज आप लोग दोनों डिजिटली कनेक्टेड है, प्लीज सरकारी संपत्ति को बचाना है, आवाज कटती है। ठीक है निजेश जी, अब आपने जो आरोप लगाए हैं जवाब लेते हैं, रहमानी साहब की आवाज दीजिए। हाँ रहमानी साहब बताइए, क्या क्या करने की प्लानिंग थी वहां पर? जो रेप हुआ क्या आप उसे अप्रूव करते? आप रेपिस्ट को सजा दिलाना नहीं चाहते, आप उस बच्ची को इंसाफ दिलाना नहीं चाहते, उसके बाद 3 रेप और हो चुके, उसका जवाब आपके पास अच्छा। नहीं है, और सवाल करने वालों को आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये दंगाई है, क्या क्या आपकी नाकामियों पर आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? और जो सवाल करेगा उसे आप दंगाई कहेंगे, उसे आप टेररिस्ट कहेंगे? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इसलिए तस्लीम रहमानी साहब, क्रिमिनल्स विरोध प्रदर्शनकारियों को ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ती है कि तुम ये पहन के आना, ये मत पहनना, ये करना वो करना, इतना ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है? अरे सड़कों पे पिटाइए लोग, सड़कों पे पिटाइए, दंगा फैलाने के लिए पुलिस ने सड़कों पे 12 मुकदमे, 40 वोट मांगकर घूमते रहिए वहीं पर, शर्म से मुंह छुपाकर जी लीजिए के 12 मुकदमे। उत्तर प्रदेश में आप जैसे लोग जो मानसिकता के हैं उनके चौराहों पर पोस्टर हैं। रहमानी साहब, ये उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रम मत पालना आप। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का प्रयास करोगे, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, चमड़ी देख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और चौराहे पर पोस्टर पे टांग देंगे, कुर्ता और कुमारी अच्छा नीलाम करा के पैसा वसूल लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आग लगाने का प्रयास किया, घर की कुर्की करा देंगे उत्तर प्रदेश में, अगर तुमने जरा भी जहर बोया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप जैसे दंगाई मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में चौराहों पर पोस्टर पर नजर आते हैं, उनके घर गिराए जाते हैं, बेटियों को बर्बाद। सर कानून यूपी में पुलिस चला रही है या आप चला रहे हैं? शलभमणि जी राजनीति कर रहे हैं, शलभमणि जी कानून उत्तर प्रदेश पुलिस चला रही है या आप चला रहे हैं? आप तो टीवी में बैठ के धमकी देने लगते हैं त्रिपाठी जी, देखिए पुलिस वालों को करने दीजिएगा या सब कुछ आप ही करिएगा? दंगाइयों के लिए ऐसे दंगाइयों के लिए अंजना जी उत्तर प्रदेश में पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अरे इसके बावजूद रेप हो रहा है, कुर्ता आजकल बेचकर नीलामी हो जाएगी इनकी, अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगा करने का प्रयास किया, ये कांग्रेस की सरकार नीलामी खिलाएगी कि सोनिया गांधी को रुलाई आएगी, आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोती होगी? रागिनी जी अब इसका जवाब तो रागिनी जी अंजना जी, ज्यों ज्यों महिला सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण के बारे में मोदी सरकार और योगी सरकार की कलई खुलती जा रही है, इनसे पूछिए उनकी नाकामी और नकारापन साबित होता जा रहा है, मतलब क्यों क्यों
क्योंकि वो सांप्रदायिक और जातीय भावनाओं की ढाल को ये आगे करते जा रहे हैं राहुल गांधी ने और लगातार इनकी यही साजिश आगे चलती रहेगी। प्रियंका वाड्रा ने अपने चेले को क्यों भेजा जाओ उत्तर प्रदेश चला के आओ टुकड़े टुकड़े कांग्रेस आई पीएफआई कैसे बन गई चैनल पर कहना चाहती हूं पीएफआई कांग्रेस आई कैसे बन गई जो कि कांग्रेस आई पीएफआई कैसे बन गई उत्तर प्रदेश क्यों जलाना चाहते थे अरे उत्तर प्रदेश क्यों जलाना चाहते थे ये तो बताओ उत्तर प्रदेश में पैसा क्यों भेजा पेट्रोल पंप क्यों भिजवाया उत्तर प्रदेश में अपराधियों को क्यों भेजा ये पीएफआई कांग्रेस आई कब हो गई ये पीएफआई को कांग्रेस आई ने कैसे सपोर्ट कर दिया आज देश के लोग कहने लगे हैं कि पीएफआई का मतलब कांग्रेस आई हर दंगाई के साथ कांग्रेस का हाथ हर दंगाई के साथ कांग्रेस का हाथ और अपराधी के साथ कांग्रेस का हाथ आतंकी के मरने पर सोनिया गांधी होती है अगर हम कह आप आतंकियों के मरने पर रोने वाली पार्टी है हर दंगाई के साथ कांग्रेस आई हर दंगाई के साथ कांग्रेस पार्टी आपने उत्तर प्रदेश जलाने का प्रयास क्यों किया आपको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश जलाने की साजिश क्यों रची कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से किस बात का बदला लेना चाहती है आज आपका जमीन धरातल खत्म हो चुका है हम आज ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने हराया है आप जलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को आप उत्तर प्रदेश की जनता से बदला लेना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते थे उत्तर प्रदेश की जनता से आप बदला लेना चाहते थे आप पीएफआई के पीछे खड़े हैं आप पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं आपके पैसे भेजे आपके नेताओं ने पैसे भेजे आपके नेताओं ने जहर हुआ आपके नफरत फैलाई आप नफरत फैलाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे उत्तर प्रदेश में आप कामयाब नहीं होने वाले क्योंकि आपकी सारी साजिश खुल चुकी है कांग्रेस पार्टी दंगा कराना चाहती उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहती थी शहजाद पीएफआई और एसडीपीआई तक तो बात ठीक है लेकिन ये सीधे सीधे जब आप विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का नाम बिना सबूत के लेंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि सरकार क्या आप इसी बहाने विपक्ष का साफ करना चाहती है मामला शहजाद अंजना जी पहले तो मेरा आग्रह है और सबूत है तो कार्रवाई कीजिए अंजना मेरा आग्रह है कि कोई कुछ लोग ऐसा है अच्छा मेरी बात तो सुनिए मुझे बात तो रखने दीजिए ये यहाँ पर ही दंगा शुरू हो गया पता नहीं इन लोगों ने वेबसाइट पढ़ के आ गए कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी वेबसाइट पढ़ के आ गए अच्छा जस्टिस फॉर हाथरस के अरे कौन ये लगातार कमेंट्री कर रहा है देखिए कमेंट्री करते रहें जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर वेबसाइट पे जस्टिस फॉर आप लगातार बोलेंगे तो आप ही बोलते रहिए भैया आप ही बोलते रहिए जल्दी बोलिए ब्रेक का टाइम हो रहा है दंगा करते रहिए टीवी पर आप दंगा करते रहिए सर हाँ देखिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर ये कैसे कैसे आइडिया दे रहे थे दंगा करने के दिल्ली में भी यही किया दिल्ली में भी इनका दंगाई मॉडल क्या था इन दंगाइयों का ये महिलाओं को बोल रहे थे तेजाब रखो उबलता हुआ तेल रखो ये इनका तरीका है मेरा सवाल ये है मेरी बहन रागिनी पीड़ित को बचाओ दंगाई क्यों बचाती हो बोलो कि मैं योगी आदित्यनाथ की मूवमेंट जो है कि पीएफआई पर बैन लगे कांग्रेस अधिकृत रूप से इसका समर्थन करती है इस पर बैन लगाओ उस पर बैन लगाओ छोड़ो ना आप नो ना स्टैंड कांग्रेस की तरफ से मैं स्टैंड बैन लगे उस बिटिया की लाश को पेट्रोल डाल के जला दिया देखा माय गॉड पीड़ित छोड़ो पीएफआई बचाओ मेरे पीएफआई बचाओ मेरे दंगाई बचाओ मैं उमर खालिद बचाओ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग बचाओ देश को तोड़ने वाले बचाओ मैं तमाम जातिवादी नाम पे देश को फूकने वाले बचाओ बेंगलुरु को फूकने वाले बचाओ दिल्ली को फूकने वाले बचाओ हाय मेरे दंगाई मेरे सेकुलर दंगाइयों को मैं बचाऊ राजनीति क्या क्या बात कर मुझे तो लगा कि आप कहेंगी ठीक है इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हाथरस में साजिश का हाथ यूपी सरकार का यही है आरोप उनका कहना है कि विपक्ष मिलकर ऐसे संगठनों के जरिए जिसमें पीएफआई एसडीपीआई है उनके जरिए दंगे फैलाने की फिराक में था जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर क्या इस नाम पर विपक्ष मंसूबे रच रहा था षड्यंत्र रच रहा था दंगे कराने की आरोप यूपी सरकार ने लगाया है इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल देखते रहिए आज नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें